हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको कहते हैं एपी, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। इसका चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी आपको फर्स्ट टर्म लिखना है यानी ए लिखना है और कॉमन डिफरेंस यानी डी लिखना है। तो दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें ए निकालना है, एक डी निकालना है। तो इससे सरल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये तो एक मार्क का क्वेश्चन है, और लेकिन इसको समझना तो होगा। तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे पहले होता है। तो एपी जहां लिखी हुई है उसका पहला टर्म लिख दीजिए, आपका ए आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अब इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि ये एपी है, इसका मतलब हमें A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे, किसी भी एक से निकाल लेंगे, दो नंबर्स का डिफरेंस। मतलब D इज इक्वल टू क्या होता है, जो A K प्लस 1 माइनस AK। तो A2 माइनस A1, तो ये हम सीरीज देखें तो इसमें क्या है, ये वाला अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये हमारा ए है या A1 या A बोलते हैं इसको। तो A1 या A कितना है हमारा, 3, पहला नंबर है 3, ठीक है। अब हमें D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये देखिए ये A1 है और ये A2 है, A1 और A एक ही चीज है, A भी बोलते हैं इसको, A1 भी बोलते हैं। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, लाइक दैट होते हैं, A1 A2 A3 A4, तो इस तरह से चलते हैं। तो A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 कितना दिया हुआ है इसमें, 1। A2 कितना है फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर है, देखिए यहां पर 1 है। तो ये दिया है, A2 कितना दिया है, 1, और A1 कितना दिया है, 3। तो 1 माइनस 3, तो कितना हो गया आंसर, 1 माइनस 3, माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 2 बच गए, तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये दो आंसर हो गए, A इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू माइनस 2। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालना है, सेकंड वाले का हम यहां कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, इसको सीरीज को हम थोड़ा बड़े से लिख देते हैं, आपको शायद ये छोटे छोटे अक्षर क्लियर ना हो रहे हो, तो इसमें हम लिख देते हैं माइनस 5 माइनस 1 और 3 और 7, ऐसे दिया हुआ है ये एपी। तो ये एपी है तो कन्फर्म है। अब इसका पहला नंबर क्या होगा, ये हमारा ए है, इसी को हम ए बोलते हैं और इसी को हम A1 बोलते हैं। तो A1 A2 A3 A4 ऐसे सीरीज चलती है। तो इसमें हमें क्या करना है, A यानी पहला पद, तो फर्स्ट टर्म कह रहा ना वो, राइट फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म यहां लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और A1 कुछ भी कह सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 भी लिख सकते हो, इसको A भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, माइनस 5। और अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को क्या डिनोट करते हैं, किस चीज से, D से। तो यहां लिख दो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें ब्रैकेट में डी लिख दीजिए, इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, ये वाला माइनस 1, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस 1 और माइनस, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहां पर साइन का आपको ध्यान रखना है, माइनस तो इस और इसका है A2 माइनस A1, और ये माइनस के साथ ये फिगर है माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो फ्रेंड्स माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 5, तो प्लस के 5 में से माइनस का 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचा, 4। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया, तो ये दो आंसर हो गए आपके, एक आंसर क्या हो गया माइनस 5 और दूसरा आंसर हो गया 4। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है वही निकालना है, इसमें भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस एपी को हम थर्ड वाले को थोड़ा बड़े में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो पहले तो फर्स्ट टर्म तो उठा के ऐसे ही रख दो, क्योंकि ये हमारा A1 है, ये A2 है, देखिए ये सारे नाम इसके क्या है, ये A1 या A, ये A2, ये A3, ये A4, लाइक दैट ऐसे सीरीज बनी हुई है पूरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें पहला फर्स्ट टर्म निकालना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, बिल्कुल इजी सवाल है ये, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म उठा के रख दीजिए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है ये, इसको हम ए भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, A1 भी बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। अब हमें निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, तो यहां लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस यानी डी,
इसको क्या बोलते हैं A2 - A1। तो A2 - A1, तो A2 क्या है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 5/3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5/3 और माइनस A1, A1 कितना है 1/3, तो यहाँ पे 3 LCM आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 1, यानी 5 - 1 का मतलब क्या हो गया 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4/3, तो इसका आंसर हो गया 4/3। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो एक आंसर तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1/3 और कॉमन डिफरेंस 4/3। अब इसका फोर्थ करते हैं अपन, फोर्थ में इसको भी लिख लेते हैं फिर से 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल वाले में हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये इसका A1 या A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरह से लाइक दैट सीरीज होती है। इसमें लिखा ही हुआ है कि कॉमन डिफरेंस एपी में है, तो A1 A2 A3 A4। अब हमें इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म लिख दीजिए उठा के, पहला टर्म रख दीजिए। सो फर्स्ट टर्म बराबर क्या होता है, A बराबर यानी कितना हो जाएगा 0.6। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो हम लिख दें कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है A2 - A1। तो A2 - A1 यानी A2 कितना है हमारा 1.7 और माइनस 0.6। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर दीजिए, तो कैसे करेंगे माइनस, यहां पर साइड में कर लीजिए आप रफर 1.7 और 0.6, तो यहां पे क्या हुआ 17 में से 6 गया तो क्या बचा, जब 7 में से 6 गया 1 पॉइंट और 1 में से 0 गया तो 1, तो 1.1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स 1.1। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, एक तो ये आ गया फर्स्ट टर्म और ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे ये थर्ड सवाल पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।